हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। और आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी सिंपल सी भाषा में, अगर मान लो आपके पास कोई बच्चा आता है और वो आपसे कहता है, क्योंकि आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, और आपसे कहता है कि मुझे किसी गेम में भाग लेना है, तो आप पहले उसको देख के सोचेंगे कि ये किस गेम में इसको पार्टिसिपेट करवाया जाए। और क्योंकि जो आप डिसीजन लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आप उस बच्चे को बोलेंगे, बच्चा उस गेम को फिर बाद में ज्वाइन करेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हेरिडिटिकल, उसके अंदर क्या चीज़ें आई हुई है। तो इन सब चीज़ों को आपने देखना है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उस बच्चे को बताना है कि आप किस गेम के लिए सुटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वो लंबा है तो हम बोल सकते हैं कि आप बास्केटबॉल में जाइए या वॉलीबॉल में जाइए। उसके अंदर एजिलिटी है तो हम बोलेंगे उसको एथलेटिक्स या फुटबॉल में, कुछ इस प्रकार। तो इन्हीं चीज़ के लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स, उस बच्चे की सिलेक्शन करेंगे गेम और स्पोर्ट्स के लिए। हम क्या करेंगे, बच्चे का फिजियोलॉजिकल या उसका जो वंशानुक्रम यानी हेरिडिटिकल कारक जो भी है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल जो कारक है, जो साइकोलॉजिकल कारक है, या उसकी फिटनेस कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और वैज्ञानिक आधारों पर बेस करके हम उसे क्या करेंगे, उसकी गेम को सेलेक्ट कराएंगे। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, एक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट है हमारा, इसके थ्रू हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है। और आगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे पहला क्या होगा, नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्किल्स, राइट। हमें क्या होनी चाहिए, अगर हम लोग किसी को फुटबॉल सिखाना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, उस गेम की नॉलेज होनी चाहिए फुटबॉल की, और उसके अंदर जो स्किल्स होती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेगी, जब हम पढ़ेंगे ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, इन सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं उस समय इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ऑफिशिएटिंग क्या होता है। इन ऑफिशिएटिंग, ये चार से बूचर ने बोला है, जो एक बहुत बड़े फिलोसफर लगा लो या ऑथर लगा लो, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। उन्होंने क्या बोला है कि ऑफिशिएटिंग नॉट ओनली द नॉलेज ऑफ द रूल इंपोर्टेंस, बट ऑल्सो वन मस्ट प्रोसेस पोजेस गुड ऑफिशिएटिंग मैकेनिक। यानी सिर्फ आपको गेम और जो स्पोर्ट्स के जो रूल है ना, सिर्फ उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आगे लिखे भी हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट हम एक्सप्लेन करें, इन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको गेम के नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी ऑफिशिएटिंग कर सकते हो। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में किस पोजिशन पर आपको खड़े होना है, और कब क्या डिसीजन देना है प्रॉपर वे में, उन सब चीज़ों का, और गेम के फ्लो के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढालना है, उसी को रियल ऑफिशिएटिंग बोलते हैं। और ऑफिशिएटिंग में एक और गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में आप कोचिज के साथ और एथलीट्स के साथ जो भी कॉम्पिटिट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके साथ आपके स्ट्रेसलेस डिसीजन रहने चाहिए और उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रहना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेते हो जब मैच बहुत पीक पे होता है या वहाँ काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, राइट। तो आपके अंदर गुड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने क्या बोला कि कोचिंग क्या है, कोचिंग इन्वॉल्व करती है मोटिवेशन एंड डेवलपिंग ऑफ ए पर्सन स्किल, या फिर वो इंडिविजुअल होगा या फिर वही टीम सेटिंग होगी। यानी कोच का पर्पज़ क्या है कि आपने एक टीम या किसी इंडिविजुअल को ट्रेन करना है, उसके माइंड सेट को, यानी उसके माइंड को और उसकी बॉडी को, दोनों को, ठीक है, एंड एथलीट्स और स्टूडेंट थ्रू मोटिवेशन, आपने उनको हमेशा मोटिवेट करके रखना है, राइट। और उनके अंदर जीतने की एक जिज्ञासा जगानी है, और उनको हर टाइप की नॉलेज देनी है कि आपने फाइट करना है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि एफर्ट नेवर डाई, अपने हर एंगल से अपने प्लेयर्स को क्या करना है, मोटिवेट करना है। जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग, तो इसके अंदर हमें क्या होता है, हर टाइप की नॉलेज मिलती है कि कोच की क्या ड्यूटी है और एक रेफरी की या ऑफिशल्स की क्या ड्यूटी है। सेकेंड हमारे कंसेप्ट क्या आता है, स्पोर्ट्स एंड मेथड, इसको हम किस चीज़ में पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड इन फिजिकल एजुकेशन। अब बहुत टाइप के टीचिंग मेथड होते हैं, जैसे चोक एंड टोक मेथड होता है, लेक्चर मेथड होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, बट हमारी जो फील्ड है उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ऐसा बोला जाता है सबसे स्टेबल मेथड रहेगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि चोक एंड टोक या फिर जो स्टोरी टेलिंग है ये हमारी फील्ड में कम अप्लाई रहते हैं, हमारे यहाँ पे चलता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यानी आपने क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर स्किल को बच्चे को करके दिखाना है। इसके अंदर
फोर कैटेगरीज बताई गई है, ठीक है। फोर कैटेगरीज होती है जो दो मेजर पैरामीटर पे बेस्ड रहती है। जैसे पहली होती है ए टीचर सेंटर्ड, भाई उसमें टीचर हेड है, बच्चे सब सुनेंगे उसको। या फिर दूसरा क्या रहेगा, स्टूडेंट सेंटर्ड, इसमें क्या करते हैं बच्चों की भी सुनते हैं। और दूसरी तरफ क्या रहेगा, हाई टेक मटेरियल वर्सेस लो टेक मटेरियल, यानी आप जो टेक्नोलॉजी है उसका कैसे यूज करते हैं। जैसे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसमें क्या है कि हर एक वर्ड को अंडरलाइन किया जा रहा है या हाईलाइट किया जा रहा है, एक ये मेथड भी होता है। और एक हम सिंपल बुक से आपको कंटिन्यू पढ़ा सकते हैं। ऐसे ही क्या है फिजिकल एजुकेशन में भी है हमारी फील्ड में, कि आप बच्चे को डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। आप सिर्फ उनको सीधा बोलते कि भाग के दिखाओ और बॉल को किक करो, या फिर आप फुटबॉल को भी लेके आते हैं साथ में और विद बॉल आप उसको एग्जाम्पल देते हैं, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्पोर्ट्स एंड पैडागोगी। अब सबसे पहले पैडागोगी क्या होता है, चार्ल्स बुचर के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि पैडागोगी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग। क्या है कि स्टडी ऑफ टीचिंग है, कि पढ़ाना कैसे है। इसके अंदर सेम चीज़ आती है, इसके अंदर हमारे कैरिकुलम, हमारा टीचिंग, टीचर, एजुकेशन, इवेल्युएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब अप्लाई होते हैं किस फील्ड में, फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। मतलब किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ कंसेप्ट ऐसे आएंगे जो हमें थ्रू ब्लैक बोर्ड भी पढ़ाने पड़ सकते हैं, जैसे टूर्नामेंट के कंसेप्ट है, आप फिक्चर बनाना सिखाते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ रहेगी, क्लासरूम टीचिंग में रहेगी। बट कुछ कंसेप्ट ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ द क्लास यानी फील्ड पे रहेंगे, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स ऑन बॉडी बिफोर द गेम, ड्यूरिंग द गेम एंड द आफ्टर द गेम। अभी ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में। मतलब ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर हमें ये सब नॉलेज मिलती है। यानी जो एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, इसमें हमें क्या मिलता है, इन्होंने लिखा भी हुआ है, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज अप्लाइड फिजियोलॉजी और द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट दैट एक्सरसाइज एंड वर्क कंडीशन हैव ऑन एन ह्यूमन बॉडी। यानी जो भी आप भाग दौड़ करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप वर्कआउट करते हैं, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप ग्राउंड में आए, आपने वॉर्म अप नहीं किया, आपका बॉडी कूलिंग डाउन था, आप शांत थे, हार्ट रेट नॉर्मल थी, कोई स्वेटिंग नहीं थी। बट जैसे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट किया, क्या हुआ, धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ, स्वेटिंग स्टार्ट हुई। कई बार अगर ओवर स्ट्रेच के तो मसल पुल होता है, राइट। देन उसके बाद जब आप कूलिंग डाउन करते हैं, देन फिर से बॉडी रिलैक्स होता है। यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग वर्क जो आपने किया है, उसमें उससे पहले और उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो सब इसके अंदर कवर किया जाता है। काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, हर एक फेस होता है अलग अलग, उन सब की स्टडी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्या आता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, यानी जो खेल के दौरान बच्चे को चोट लगती है, उस चोट का कारण क्या था, उससे बचाया कैसे जा सकता है, उसका फर्स्ट एड क्या रहेगा, उसका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस क्या रहेगा, डोपिंग क्या होती है, ड्रग्स क्या होता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, एक मेडिकल रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड द ह्यूमन बॉडी, आप कह सकते हैं, राइट। कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इसका एक इंटरलेशनशिप है। इसमें हम इंजरी के बारे में पढ़ते हैं, डोपिंग, ड्रग्स सब नीचे इसमें मेंशन है, ठीक है। कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे गेम को, स्पोर्ट्स को, या हमारी ट्रेनिंग को, जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशन बॉडी वेरी करती है, आपने ड्रग्स तो नहीं किया होगा, डोपिंग तो नहीं किया हुआ, ग्रोथ ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी क्या थी हमारी बॉडी के ऊपर, इसमें मेडिसिन के बारे में और ये सब चीज़ें, थेरेपी के बारे में, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, ये सब नॉलेज एक एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे कल आपके पास आएंगे तो उनको खेलते हुए चोट भी लगेगी, तो हमें उसका पता होना चाहिए कि उस टाइम पे हमने क्या डिसीजन लेना है, राइट। किस टाइप की वो इंजरी है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड गुड परफॉर्मेंस। और ये हम कहाँ पढ़ते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अब मान लो आपके पास कोई बच्चा आया है, आपने उसका गेम भी सेलेक्ट कर लिया, आपने उसकी टीचिंग मेथड भी डिसाइड कर ली कि मैंने इसको ऐसे ऐसे करके सिखाना है, आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन की नॉलेज भी ले ली, अगर इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, राइट। लेकिन उसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, राइट। उसकी आपने इंडोरेंस को कैसे बढ़ाना है, उसकी स्पीड को कैसे बढ़ाना है, उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है, उसकी कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ाना है। ये तो नहीं कि आप उसको आगे बोलेंगे चलो भागना शुरू करो, हर एक दिन अलग अलग आपको उसके ट्रेनिंग शेड्यूल करना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा कि इस गेम के लिए पर्टिकुलर कौन सा पैरामीटर आपको उसका, या कौन सा कंपोनेंट उसका आपने ग्रो करना है। ये सब किस में पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन भी दी है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग
इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, किस चीज़ पर बेस्ड होता है, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर, इज ए पेडोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन विद थ्रू सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑन साइकोफिजिकल परफॉर्मेंस एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रेडीनेस एम एट लीडिंग द स्पोर्ट्स पर्सन टू द हाई एंड द हाइस्ट परफॉर्मेंस। यानी एक प्लेयर की किसकी हाई और हाईएस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपने किसी को सिंपल सी बात में ट्रेन करना है, किस बेस पे लेके, साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे, जिसमें उसकी साइको फिजिकल परफॉर्मेंस एबिलिटी बढ़े। साइको यानी मेंटली, फिजिकल यानी बॉडी, यानी माइंड और बॉडी दोनों का क्या बने, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी उसके अंदर रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, और ये हम किस में पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ हम पढ़ते हैं किसके थ्रू, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन हमारा एक सब्जेक्ट आता है फिर से, और ये WHO ने जो हेल्थ एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन आ जाती है और ज़्यादातर हायर अथॉरिटी की आती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या बोला है, हेल्थ एजुकेशन इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, यानी कोई भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, इम्प्रूव देयर हेल्थ बाय इंक्रीजिंग देयर नॉलेज एंड इन्फ्लुएंसिंग देयर एटीट्यूड। यानी हेल्थ एजुकेशन क्या, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, जो डिजाइन किया गया किसके लिए, किसी भी इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए उनकी नॉलेज और उनकी इन्फ्लुएंस करने के लिए, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी साइकोलॉजी पे बेस्ड रहता है, जैसे साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर, नॉर्मल स्टडी, नॉर्मल साइकोलॉजी उनका बोलते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ एथलीट बिहेवियर अगर हम बोले, राइट। तो इसमें क्या बोला जाता है, 4 से 5 डेफिनेशन दी है, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यूटिलाइज वेरियस प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड फैक्ट फ्रॉम ए फील्ड ऑफ साइकोलॉजी टू स्टडी बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। यानी क्या करता है, स्टडी करता है बिहेवियर किस में, स्पोर्ट्स में। तो ये सब किस में पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं, और हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कल आपके पास प्लेयर है तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कब मोटिवेट फील करता है आपको अलग पता चल जाएगा, बट कुछ उस एक प्लेयर का फेस ऐसा आएगा जहाँ वो अकेला रहना पसंद करेगा, उसकी गेम में कहीं परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी, तो अगर हमें इसकी नॉलेज होगी तब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, प्लेयर की सिचुएशन क्यों खराब है, प्लेयर परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा है, वो सब हमें तभी पता चलेगा जब हमें स्पोर्ट्स एंड साइकोलॉजी की या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। एंड नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में ये हमारे कंसेप्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन करके, राइट। एज पर विकीपीडिया, यानी विकीपीडिया का यह डाटा है, डाइट क्या है, डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऐसा फूड जो आपने कंज्यूम किया, वो खाया है किसी पर्सन, उसको क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड हाउ फूड इज यूज इन द प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट ऑफ द बॉडी। यानी जो कुछ भी आपने खाया है वो आपकी बॉडी के अंदर जब गया है वो कैसे प्रॉपर यूज हुआ है, आपकी बॉडी को पोषक तत्व उसने दिए है या आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसने न्यूट्रिशमेंट कैसे किया है, ये जब स्टडी होती है, मतलब जब आपने कोई भी प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, क्विक एनर्जी का, हमें क्विक एनर्जी देता है जैसे, अब ये सब हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें न्यूट्रिशन की नॉलेज होगी, राइट। या 1 ग्राम कार्ब्स खाने से कितनी आपको एनर्जी या कितनी कैलोरीज मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलेगी, एक नॉर्मल पर्सन को कितना प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितना लेना चाहिए, ये जो सारी नॉलेज होगी हमें कहाँ से मिलेगी, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के हमारे जो सब्जेक्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये हमें वहाँ से मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, स्पोर्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारा एक सब्जेक्ट है, उसमें हमें यही पता चलता है अगर हम गो थ्रू करें कि हिस्ट्री क्या है हमारे फिजिकल एजुकेशन की, कि स्पोर्ट्स कहाँ से आए हैं, फिर धीरे धीरे कैसे स्पोर्ट्स ने ग्रो किया है, जैसे पहले एशियन ओलंपिक थे, फिर धीरे धीरे रिसर्च हुई तो फिर वो पता चला उनके बारे में, देन फिर क्या हुआ, उन्हीं के बेस पे 1896 में हमारे क्या हुआ, मॉडर्न ओलंपिक आए, राइट। ये सब क्या है, ये हिस्ट्री है, अगर हमें पुराने ओलंपिक का नहीं पता होता तो शायद मॉडर्न ओलंपिक भी नहीं शुरू होते, राइट। फिर ओलंपिक के बाद धीरे धीरे कैसे ग्रो करे, ऐसी कॉमनवेल्थ है या किसी गेम का वर्ल्ड कप है, या एशियन टाइम में स्पोर्ट्स क्या था, कैसे लोग खेलते थे, अभी हम कैसे खेलते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना,
जो हमारे पास्ट इवेंट है ठीक है, या जो भी करंट हमारा चल रहा है, फ्यूचर इवेंट क्या होंगे, इन सब का क्या रहता है, कम्बिनेशन रहता है, देखे जाते हैं, इन चीज़ों को नोट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है हमारी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन से। नेक्स्ट क्या आता है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में हमारे मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, यानी ये कौन से एक सब्जेक्ट है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, कि जो आपके पास स्पोर्ट्समैन आया है, उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया है, आपने उसको पासिंग स्किल्स सिखाई है या आपने उसको किकिंग स्किल्स सिखाई है, और आपको आपको सिखाते हुए 2 महीने हो गए या 3 महीने हो गए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो क्या होता है, उसमें कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, जैसे टेस्ट मेजरमेंट और इवेलुएशन जो सब्जेक्ट है, उसके थ्रू हमें कुछ टेस्ट होते हैं। हर एक गेम का अपना अपना एक टेस्ट होता है, फुटबॉल के कुछ टेस्ट है, बैडमिंटन के कुछ टेस्ट है, वॉलीबॉल के कुछ टेस्ट है, ऐसे हर एक गेम के अलग अलग हम उसके अंदर टेस्ट होते हैं। टेस्ट के थ्रू क्या होता है, मान लो एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा या कंसेप्ट दिया जाएगा कि आपने इतने सेकंड में इतने पास करने हैं, कितने उसमें से करेक्ट पास थे, कितने अनकरेक्ट थे, राइट, कितनी आपकी एक्यूरेसी उसके अंदर थी, ये सब जब मापेंगे तब उससे हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव है या नहीं है। और ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलेगी, टेस्ट मेजरमेंट से। इस सब्जेक्ट से हमें उनकी हर टाइप की क्या होगी, नॉलेज मिलेगी हमें, राइट, क्योंकि हर एक टेस्ट का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट्स एंड मैकेनिक्स, इसमें क्या है, इसमें बायो मैकेनिक्स पढ़ते हैं हम लोग, और बायो मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू चार से बूचर, बायो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस फोर्स दैट एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी एंड देयर अफेक्ट दैट सच फोर्स प्रोड्यूस, यानी क्या है कि ये स्टडी ऑफ फोर्स है, या स्टडी ऑफ फोर्स है जो फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। ये सिंपल सी बात, हम क्या बोलेंगे, इट इज ए स्टडी ऑफ या साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट, जो भी मूवमेंट है बॉडी, जो भी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, उनकी स्टडी है कि कैसे आप जब आगे चलते हैं तो आपका मसल मूव करता है या उसका फोर्स प्रोड्यूस होता है, या कि आपको पुश करता है तो आप किस तरीके से गिर रहे हैं, ये सब जो है ये बायो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स एंड एंथ्रोपोमेट्री। अब एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है, विजय लक्ष्मी के अकॉर्डिंग एंथ्रोपोमेट्री इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ बोन, मसल एंड एडिपोज या फिर फैट, यानी इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन की बॉडी की मेजरमेंट की जाती है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका चेस्ट का सर्कमफेरेंस कितना है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, हर एक चीज़ इसके अंदर क्या होती है, हमारी मापी जाती है, राइट। एंथ्रोपोमेट्री में क्या करते हैं, हमारा हर एक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी मापा जाता है, हाइट, वेट, या हमारा सर्कमफेरेंस क्या है, हमारा स्केल्टन का डायमीटर क्या है, कि रिस्ट कितनी चौड़ी है उसका डायमीटर क्या है, एंकल का डायमीटर क्या है, चेस्ट का सर्कमफेरेंस क्या है, फोर आर्म का सर्कमफेरेंस क्या है, थाइज कितना मोटा है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें मापी जाती है। और उसके अंदर क्या निकलता है लास्ट में आके, आपका बोन मसल और एडिपोज टिश्यू यानी बॉडी कंपोजिशन, ये सब इसके अंदर मापे जाते हैं, जिस समय ये पता चलता है कि ये पर्सन फिट है, ये पर्सन नॉर्मल वेट है, ये पर्सन हैवी वेट है, या ये पर्सन ओबीज है, राइट। ये होती है एंथ्रोपोमेट्री, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट, ये भी हमें पता होनी चाहिए, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हमारे बैटरी टेस्ट आगे आएंगे जिसके अंदर हमें ये सब चीज़ें मैंसन करनी पड़ती है या मेजर करनी पड़ती है। 14 आता है जो लास्ट होता है एक टाइप से, स्पोर्ट्स एंड सोसाइटी। अब हम एक स्पोर्ट्स साइकोल सॉरी स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ समाज, है ना, सोसाइटी की स्टडी को हम बोल सकते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी, यानी स्पोर्ट्स का सोसाइटी में क्या रोल है, यानी स्पोर्ट्स सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं कंसर्न्ड विद हाउ स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस बाय इंस्टीट्यूट, कोई भी पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, इकोनॉमिकल है, या मास मीडिया है, कि भाई जो स्पोर्ट्समैन है या जो हमारा स्पोर्ट्स है वो कैसे इंट्रैक्शन करता है सोसाइटी के साथ और क्या रोल प्ले करता है सोसाइटी में। जैसे अगर हम टीम खेलने जाती है तो उसमें हर एक कास्ट का बच्चा होता है, हर एक कलर का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ब्रदरहुड की भावना से खेलते हैं, यूनिटी के साथ रहते हैं, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन इसके अंदर होता है, अलग अलग जोन में बच्चे खेलने जाते हैं, तो ये सोसाइटी में क्या हमारा एक रोल प्ले करता है। और इससे कौन कौन इन्फ्लुएंस होते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया है जो हमें सपोर्ट करती है, तो एक स्पोर्ट्स जो है वो कैसे सोसाइटी के साथ मिला हुआ है और कैसे लोगों को जोड़ के रखता है, ये जो सब नॉलेज है, ग्रुप कोहेजन, ग्रुपिज्म, टीम वर्क, ये सब किसके अंदर हम पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स एंड
सोशोलॉजी के अंदर, तो एक कोच को, एक टीचर को, फिजिकल एजुकेशन टीचर को, ये जो हमने 15 या 14 कंसेप्ट पढ़े हैं, इन सब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे गुड टीचर या गुड कोच या गुड ऑफिसर्स बन सकते हैं। होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, लर्न टुगेदर विद अस। थैंक यू।